Dear student, I hope that everyone is fine at their homes in this time of COVID-19 calamity. Be at your home, stay at home, and help the nation to end this epidemic or pandemic. So we are starting the first chapter, the story of village Palampur. As you know that this is the first time you are introducing to the new subject in social science, economics, and this is the first chapter of economics. Basically, this chapter is about a village, Palampur, and the story which we are going to discuss in this chapter basically cover the concept of production. And this village is not a real village, it's a hypothetical village, this village called Palampur. And farming is the main activity in the Palampur, where other activities such as small scale manufacturing, dairy, transport, etc. carried out on a limited scale. These production activities need various types of resources. Luckily, we belongs to a rural belt, and most of the activities we are familiar. अगर मैं आपसे ये कहूँ कि गांव में कौन कौन सी activities होती हैं तो आप आसानी से बता सकते हैं, क्योंकि हम एक ग्रामीण इलाके में रहते हैं. ग्रामीण इलाकों में आपने देखा होगा कि फार्मिंग सबसे मेन एक्टिविटी होती है. इसके अलावा छोटे स्केल पर मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, डेयरी प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्ट, ये सब चीज़ें लिमिटेड स्केल पर होती हैं. अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज की बात करते हैं तो ज़्यादातर एक्टिविटीज़ उन्हीं के आसपास घूमती रहती हैं. मैन मेड आइटम, ह्यूमन मेड एफर्ट, मनी एक्सेट्रा, वी विल डिस्कस इन दिस स्टोरी विलेज पालमपुर अबाउट द वेरियस रिसोर्सेज, हाउ टू ऑर्गेनाइज फॉर प्रोडक्शन ऑफ डिजायर्ड गुड्स एंड सर्विसेज इन द विलेज. लेट्स नो मोर अबाउट द विलेज पालमपुर. विलेज पालमपुर इज़ ए well connected village with its neighboring village and towns. Rai Ganj, a big village, is 3 kilometers from Palampur. So Rai Ganj ek gaon hai jo ki 3 kilometers hai wahan se, aur paas mein Shahpur ek small town hai jo ki road aur usse connect hai all weather mein. अब देखा होगा कि कई भारत में ऐसी जगह है जहाँ पर संपर्क टूट जाता है ड्यू टू फ्लड एंड अदर नेचुरल क्लाइमेटीज, बट विलेज पालमपुर हैविंग वेल कनेक्शन विद द नेबरिंग टाउन्स एंड विलेजेस थ्रू रोड. मैनी काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज विजिबल ऑन द रोड. अगर आप कहें कि वो गांव है तो वहाँ पे बुलक कार्ट आपने देखा होगा, बहुत कॉमन है, इधर भी होती होंगी. तांगाज, बोगीज, ये सब वहाँ पे रहती हैं. अदर ट्रांसपोर्ट मोड आर ऑल्सो देयर, फॉर एग्जाम्पल मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर, एक्सेट्रा. इधर गांव में भी जो है आप देखते होंगे कि ये सब व्हीकल्स आप इजीली देख सकते हैं. गांव है, वहां पर 450 फैमिलीज रहती हैं जो कि डिफरेंट कास्ट से बिलोंग करती हैं. 80 अपर कास्ट फैमिली जो है उनके पास मेजॉरिटी ऑफ लैंड है एंड उनके हाउसेस बड़े हैं. SC जो है 1/3 ऑफ पॉपुलेशन है वहाँ पर, वो भी वहाँ रहते हैं, लेकिन उनके घर छोटे हैं और उनके पास जो ज़मीनें हैं बहुत ही, उनका जो एरिया बहुत ही कम है. इसके अलावा अगर हम बात करें 24 आवर इलेक्ट्रिसिटी आती है, ट्यूबवेल्स हैं वहाँ पर, फार्मर्स के 2 प्राइमरी स्कूल हैं, 1 हाई स्कूल इज़ देयर, 1 प्राइमरी हेल्थ सेंटर इज़ देयर, 1 प्राइवेट डिस्पेंसरी इज़ देयर जहाँ पे बीमार लोगों का इलाज होता है. डिस्क्रिप्शन जो है दैट शोज़ दैट विलेज पालमपुर इज़ फेयरली वेल कनेक्टेड एंड अ मॉडर्न विलेज यू कैन से इन द सिंपल. द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर जो है हमें डिफरेंट प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ जो हैं गांव में जो होती हैं ऑल ओवर इंडिया दैट विल टेल अस दैट व्हाट हैपन्स इन मॉडर्न विलेजेस, व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ दे डू टू अर्न डिफरेंट काइंड ऑफ लाइवलीहुड्स. ऑन द पेज नंबर 2 यू कैन सी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन. जो प्रोडक्शन होता है, जो उत्पादन होता है, कुछ सामान बनाना है तो उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं. सबसे
जरूरी बात जो है, ये रिक्वायरमेंट जो है चार होती हैं। इफ यू वांट टू प्रोड्यूस अ गुड्स देन वी नीड्स फोर टाइप ऑफ फैक्टर्स। दीज आर कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। दीज आर द फोर रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोडक्शन। लैंड इज़ ए फिक्स रिसोर्स, लेबर वी कैन चेंज, लेबर मे बी स्किलफुल और अनस्किल्ड लेबर। फिजिकल कैपिटल इज़ ऑफ टू टाइप, फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। एंड देर इज़ द फोर्थ रिक्वायरमेंट ऑल्सो, द फोर्थ रिक्वायरमेंट इज़ अ ह्यूमन कैपिटल, द पर्सन हु विल ऑर्गेनाइज ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रोड्यूस द गुड्स। सो दीज आर कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। एंड अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड लॉट ऑफ टाइम दिस क्वेश्चन केम इन द एग्जाम। नाउ दिस इज अ विलेज, देन द फार्मिंग इन पालमपुर, दिस इज द मेन डिस्कशन। लैंड इज़ फिक्स्ड, अगर हम फार्मिंग की बात करते हैं, हर गांव में फार्मिंग मेन एक्टिविटी होती है, और वहां पे अगर फार्मिंग की बात करते हैं तो लैंड जो होता है दैट इज़ अ फिक्स्ड काइंड ऑफ रिसोर्स, इट कैन नॉट चेंज। आपने देखा होगा कि गांव की जो बाउंड्रीज बनी हुई, विलेज की जो बाउंड्री है वो चेंज नहीं हो सकती। जब ये गांव बना होगा तो उसकी बाउंड्री फिक्स की गई होगी और उसके बाद इसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। फार्मिंग इन द मेन एक्टिविटी, 75% जो पीपल हैं दे डिपेंड ऑन द फार्मिंग एंड अदर आर फार्म लेबर एंड बट रिमेंबर दैट देर इज़ ए बेसिक कॉन्स्टेंट इन रेजिंग फार्म प्रोडक्शन। लैंड इज़ फिक्स्ड, विलेज पालमपुर की बात करते हैं, सिंस 1960s के बाद जो एरिया है विलेज पालमपुर का वो एक्सटेंड नहीं हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि लैंड इज़ अ फिक्स्ड रिसोर्स। वन मोर थिंग, यू हैव टू लर्न द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। देर आर फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। फिजिकल कैपिटल इज ऑफ टू टाइप, फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। रिमेंबर दिस थिंग दैट दिस इज ऑफ टू टाइप एंड ह्यूमन कैपिटल इज सेम। सो वन थिंग वी हैव टू लर्न दैट प्रोडक्शन बेसिकली डिपेंड्स ऑन द फोर फैक्टर्स। यू कैन सी द वन एम्प्लॉय इज वर्किंग इन द फैक्ट्री, वट ही इज डूइंग, ही इज वीविंग क्लोथ एंड इज कटिंग समथिंग, है ना। तो आपको ये फोटोग्राफ्स जो हैं वो भी ध्यान से देखते हुए आगे बढ़ना है। सो लैंड इज फिक्स्ड, सो देर इज़ नो स्कोप ऑफ इंक्रीजिंग लैंड एंड इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन फ्रॉम विलेज पालमपुर। एंड देर आर डिफरेंट मेजरमेंट यूनिट्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, बीगा, गिनथा एक्सेट्रा, बट हेक्टेयर इज़ अ कॉमन मेजरमेंट मैथड थ्रू आउट द कंट्री। You can measure school also in hectare. Now, the next thing is, after knowing that land is fixed, we have to discuss the next problem. Actually, village Palampur, having a fixed land, it cannot increase. But population is increasing. Village Palampur ki jo population hai, wo increase ho rahi hai. To hum kaise jo hai, it badhti jansankhya ke liye, jyada anaj jo hai, usi zameen se uga sakte hain. Is there a way one can grow more from the same piece of land? Yes, there is a way that we can increase more from the same piece of land. We can practice modern farming. जैसे कि आजकल यूपी, सम पार्ट ऑफ यूपी, पंजाब, हरियाणा में ये फार्मिंग की जाती है। लेकिन फार्मिंग को समझने से पहले हमें पहले क्रॉपिंग पैटर्न्स को समझना होगा। जैसे कि इसमें लिखा हुआ खरीफ, रबी, जैड, दीज आर थ्री क्रॉपिंग सीजन्स। खरीफ क्रॉप्स जो हैं बेसिकली मानसून क्रॉप्स हैं, जो कि मानसून आने पे बोई जाती हैं, पूरे इंडिया में ये बोई जाती हैं। रबी क्रॉप्स जो हैं विंटर क्रॉप्स हैं, जो कि विंटर के ख़त्म होते काट ली जाती हैं तकरीबन अप्रैल मई के महीने में, आजकल के समय में अभी रबी की क्रॉप्स जो हैं खेतों में हैं, कटने ही वाली हैं। उसके बाद जो ये रबी और खरीफ के सीज़न के बीच में जो गैप रहता है, उस समय लोग जो हैं जैड सीज़न जो है, जिसमें मस्क मेलन, वाटर मेलन, इस प्रकार की फसलें बोते हैं। और अगर हम देखते हैं क्यों विले पालमपुर में लोग जो हैं डिफरेंट क्रॉप्स उगा पाते हैं, ड्यू टू वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशन। इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे लगातार आती, दैट्स वाई दे कैन ग्रो मोर देन वन क्रॉप इन अ ईयर फ्रॉम द सेम पीस ऑफ लैंड। एंड
नॉट एवरी वन हैव द ट्यूबवेल, बट गवर्नमेंट जो है उसने भी कुछ ट्यूबवेल्स लगाए हुए जिससे कि इरीगेशन की जाती है। बाई 1970s एंटायर कल्टिवेटेड एरिया ऑफ 200 हेक्टेयर वॉज इरीगेटेड। तो विलेज पालमपुर में 200 हेक्टेयर का एरिया है जो कि कल्टिवेट होता है, इरीगेशन वहाँ पर की जाती है। सारे गांव में ऐसा भारत में अगर हम कहें तो लेवल ऑफ इरिगेशन नहीं है। डेक्कन प्लेट्यू कुछ ऐसे इलाके जहाँ पे लो लेवल ऑफ इरिगेशन है। मोस्ट ऑफ इंडिया एग्रीकल्चर डिपेंड्स ऑन मानसून, सो हम कह सकते हैं कि मानसून क्रॉप है। एंड एक आसान तरीका है कि हम मोर देन वन क्रॉप उगाएं तो हम जो है क्या कर सकते हैं, प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। जैसे यू कैन सी व्हीट, बाजरा, शुगर केन, पोटैटोज, आई थिंक यू ऑल आर फेमिलियर विद दिस टाइप ऑफ क्रॉप। लेट्स डिस्कस, ये दिया गया है टेबल 1.1 जिसमें मिलियन हेक्टर्स दिए गए हैं, कुछ क्रॉप प्रोवाइड किए गए हैं। आपको इसके बारे में डिस्कस करना है, आपको इसको थोड़ा समझना है। हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में कि ये क्या चीज़ें हैं। तो हमने इस पूरे पेज से क्या समझा कि लैंड फिक्स्ड है, उसको मेजर करने के डिफरेंट मेथड्स हैं, बीघा गिनता, हमारे यहाँ कनाल मरले जैसा कंसेप्ट होता है, हेक्टेयर कॉमन है। और सवाल ये था कि क्या हम सेम पीस ऑफ लैंड से ज़्यादा मात्रा में अनाज उगा सकते हैं, तो जवाब आता है यस, हम उगा सकते हैं। पहला तरीका क्या है कि वी कैन ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड, इट इज़ पॉसिबल ओनली थ्रू द इरीगेशन। और विलेज पालमपुर के बारे में कहा जाए तो विलेज पालमपुर में 200 हेक्टेयर ऑफ जो है लैंड है जो कि सारा का सारा जो है कल्टीवेट होता है, इरीगेशन वहाँ पे पॉसिबल है। सो दीज थिंग्स, द नेक्स्ट पेज यू कैन सी द सेकेंड मैथड ऑफ इंक्रीजिंग मोर क्रॉप, हैविंग मोर प्रोडक्शन ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड, दैट इज़ पॉसिबल थ्रू द मॉडर्न फार्मिंग। यू कैन सी द ग्राफ हाउ द कल्टिवेटेड एरिया जो है दैट रिमेन ऑलमोस्ट सेम 1970 से, दैट एरिया रिमेन्ड सेम मिलियन हेक्टर्स, एंड द प्रोडक्शन ऑलमोस्ट दैट ऑल्सो रिमेन कॉन्स्टेंट। इज़ इट इम्पॉर्टेंट इंक्रीज द एरिया अंडर इरीगेशन? वाई एरिया अंडर इरीगेशन को अगर हम इंक्रीज करते हैं क्या क्या फ़ायदा होगा बच्चों? तो इसका पहला फ़ायदा ये होगा कि हम एक से ज़्यादा फसलें उगा सकते हैं, दैट इज़ वेरी हेल्पफुल टू फुलफिल द ग्रीन डिमांड्स ऑफ द विलेज पालमपुर। एंड यू हैव रीड अबाउट द क्रॉप ग्रोन इन पालमपुर, फिल द फॉलोइंग टेबल बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन ऑन द क्रॉप ग्रोन ऑन योर रीजन्स। तो एक टेबल बना हुआ है, आपने अपने गांव को देखना है और उस हिसाब से आपने यहां पे क्या करना है फिल करना। जैसे मैं एक बता देता हूं आपको, नेम ऑफ क्रॉप जैसे वीट है, मंथ्स ऑन नवंबर लास्ट में ये बोई जाती है, मंथ हार्वेस्ट अप्रैल मिड और अप्रैल लास्ट तक ये काट ली जाती हैं। और सोर्स ऑफ इरीगेशन वीट के लिए क्या रहता है, तो हम जिस इलाके में रहते हैं यहाँ पर ज़्यादातर जो है रेनफॉल जो है दैट इज़ द प्राइम थिंग फॉर इरीगेशन। अगर हम बात करते हैं दूसरे मेथड की, तो मॉडर्न फार्मिंग जो है ये सबसे बेस्ट वे है इंक्रीज करने का। मिड 1960s से भारत में मॉडर्न फार्मिंग की शुरुआत हुई थी, जिसकी वजह से ग्रीन रिवोल्यूशन जो है 1960s में भारत में हुआ। क्यों हो पाया? ड्यू टू द यूज़ ऑफ HYV सीड, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड को यूज़ करने से। और उसके बाद जो है अगर हम बात करते हैं कि ये जो सीड्स होते हैं दे आर ऑफ हाई प्रोडक्टिविटी, इससे जो है ज़्यादा पैदावार जो है ली जा सकती है। एंड यू कैन सी HYV सीड, ये एक डायग्राम बना हुआ, एक चित्र बना हुआ, इसमें आप देख सकते हैं फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, इलेक्ट्रिसिटी पम्प, ट्रैक्टर, HYV सीड। वी कैन एम्प्लाई दीज मैथड्स टू ग्रो मोर ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड। सो देर आर टू वेज, वन वे इज़ टेकिंग मोर क्रॉप इन अ ईयर फ्रॉम द सेम पीस ऑफ लैंड, एंड सेकेंड वन इज़ मॉडर्न फार्मिंग। ये दो तरीके हैं जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, हम ज़्यादा प्रोडक्शन जो है अनाज की हासिल कर सकते हैं। एक तरीका था लैंड को बढ़ाकर 200 हेक्टेयर या 400 हेक्टेयर करेंगे तो डबल प्रोडक्शन हो सकती है, लेकिन विलेज पालमपुर के कंसेप्ट में ऐसा नहीं है बिकॉज लैंड इज़ अ फिक्स्ड रिसोर्स, तो हम ये ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो अब तक हमने कौन से क्वेश्चन कर लिए? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कर लिया, हमने विलेज पालमपुर के बारे में समझा कि विलेज पालमपुर क्या है, उसके बाद हमने ये जाना है कि लैंड फिक्स्ड है और
हमने ये भी जाना है कि उसको कैसे मेजर किया जाता है। आप अपने घर के अपने खेतों का एरिया मेज़र कर सकते हैं इससे। उसके बाद हमने जाना कि विलेज पालमपुर की पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो उसकी जो इंक्रीजिंग डिमांड है ग्रेन की, वो कैसे फुलफिल होगी। सो दैट ऑल्सो वी हैव डन। वी केम टू नो दैट देर आर टू वेज, आइदर वी कैन ग्रो मोर देन वन क्रॉप इन अ ईयर, दैट इज़ पॉसिबल ओनली थ्रू द इरीगेशन। और विलेज पालमपुर के बारे में कहा जा सकता है कि वहाँ पे ये संभव है। और दूसरा है मॉडर्न फार्मिंग। 1960s के मिड से ये स्टार्ट हुई थी। इसमें आप देख सकते हैं ये जो पिक्चर है, दैट बेटर डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ मॉडर्न फार्मिंग। आई होप दैट यू अंडरस्टूड द चैप्टर व्हाट आई टॉट। आई सजेस्ट यू टू रीड द चैप्टर एंड नोट डाउन द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, एंड वेन एवर द क्लास इज देयर वी विल डिस्कस अगेन दीज थिंग्स। दिस इज़ योर होम असाइनमेंट। रीड अ चैप्टर, राइट एनी 5 MCQs इन प्रॉपर फॉर्म इन योर होमवर्क नोटबुक। एंड थैंक यू स्टूडेंट्स, लर्न एट होम, बी सेफ एट होम, फाइट कोरोना। थैंक यू।